अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसकी जो काम करने का क्या तरीका है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि एनर्जी मीटर ये हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की कंसप्शन को मैयर करता है किलोवाट आवर की सूरत में, और ये इंस्ट्रूमेंट हमें बिजली का बिल जनरेट करके देता है। और ये आज हम सिर्फ इंडक्शन टाइप की बात कर रहे हैं, जो डिजिटल जो आजकल चल रहे हैं उसके बारे में हम फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें डिजिटल का भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा कि ये नाम से जाहिर है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सूर पे काम करता है। तो इसके अंदर जो हम अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या है और उसका काम क्या होता है। ये जो ई टाइप का ये जो मैग्नेट है इसे हम शंट मैग्नेट कहते हैं, और ये जो सी टाइप है इसे हम सीरीज मैग्नेट कहते हैं। और ये जो शंट मैग्नेट के ऊपर जो कॉयल होती है ये होती है शंट कॉयल भी कह लें, इसे प्रेशर कॉयल भी कह लें या वोल्टेज कॉयल कह लें, ठीक। ये हमारे लोड और सप्लाई के देखेंगे पैरेलल में लगी हुई है, मतवाजी में, ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज मैग्नेट है ये इसकी जो कॉयल, इसे हम सीरीज कॉयल कह लें या करंट कॉयल कह लें, ये हमारे सप्लाई के और लोड के सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। और ये जो कॉयल है ना शंट कॉयल, ये हाईली इंडक्टिव होती है, ठीक है। मतलब कि इसका ये हमें लैगिंग मतलब प्रोवाइड करती है, लैगिंग नेचर की होती है, जिस ये लीडिंग नेचर की होती है, ये लैगिंग नेचर की होती है। ये कॉपर के शील्डिंग बैंड भी होते हैं, ये लगे होते हैं ताकि इसको और ज़्यादा इंडक्टिव करें, ठीक है। मतलब इसका जो एंगल है ना वो हमें डिफरेंस रखा हुआ ताकि इसका जो करंट इधर रहे और ये इसको प्योरली इंडक्टिव और ज़्यादा इंडक्टिव मतलब बनाए, ये शील्डिंग बैंड का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेक मैग्नेट है, ठीक है, ब्रेक मैग्नेट का काम यही होता है कि डिस्क को ओवर स्पीड ना होने दे, एक लिमिट के अंदर इसकी स्पीड को रखें। मतलब कि हम विशेष जब हमारी सप्लाई बंद हो जाती है तो इनर्शिया की वजह से जब डिस्क घूमती रहती है तो जहरी बात है जब डिस्क घूमेगी तो इसका स्पंडल के साथ हमारे ये जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है तो हमारी फजूल की जो बिजली की कंजप्शन होगी तो हमें बिल आएगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक मैग्नेट लगाया जाता है, इसको कंट्रोल मैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इसके ये ड्राइविंग सिस्टम है, ये रोटेटिंग सिस्टम, ये चार सिस्टम है इसके। तो अगर ये इस सूरत में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ लग जाएगी कि कैसे कैसे काम करते हैं, ये पार्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो ड्राइविंग सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं कि ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये जो शंट और सिर्ज दोनों मैग्नेट मिलकर जो डिस्क को घुमाते हैं, ठीक है, उसको जो मतलब इन दोनों में जब फ्लक्स बनता है तो डिस्क घूमती है ना, ये हमारे ड्राइविंग सिस्टम, ये हमारे सिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम, इसको सिस्टम को हम ड्राइविंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो डिस्क को रोटेट करवाता है उस सिस्टम को हम ड्राइविंग सिस्टम कहते हैं। ये दो ही मैग्नेट ये करवाते हैं, इसलिए हम इसे ड्राइव सिस्टम कहते हैं। मतलब कि इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने थोड़ा सा डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ ताकि ईजिली समझ आ जाए। अब रोटेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से जाहिर कि रोटेट हो रही है ये चीज़ को, रोटेट होने वाली, अब इसके ये जो डिस्क है इसके साथ स्पेंडल लगी होती है ऐसी, ठीक है। वो जब ये दोनों मैग्नेट में फ्लक्स बनता है तो ये डिस्क घूमेगी, तो डिस्क में जब फ्लक्स बनेगा तो ये डिस्क मूव करेगी और स्पिंडल के साथ हमें रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में हमें वो रीडिंग जो है वो हमारी चलेगी तो हमारी बिजली का बिल बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसे रोटेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेकिंग सिस्टम मैंने पहले भी आपको बताया, ये कंट्रोल करता है ये हमारी डिस्क की ओवर स्पीड को एक लिमिट के अंदर सिर्फ रखता है ताकि हमारी डिस्क ज़्यादा ना चले। मतलब कि जैसे ही कोई सप्लाई बंद होती है तो ये मतलब कि इनर्शिया की वजह से डिस्क ऐसी घूमती रहती है कि हर चीज़ ऐसे जैसे कुछ चलती चीज़ को हम ऐसे वह छोड़ दें तो वो चलती रहती है। ये चलने की वजह से जब हमारे जो कंज्यूम होंगे यूनिट उसका लोड के साथ तो कोई लिंक ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो यूनिट जो ऐसे चलेंगे इनर्शिया की वजह से इस डिस्क के घूमने की वजह से उसको ये कंट्रोल करती है ताकि ओवर बिलिंग ना हो, ओवर चार्जेस ना हो, ठीक है, हमारे बिल के। तो इसको इस कंट्रोल मैग्नेट भी कहते हैं और ब्रेक मैग्नेट भी कहते हैं। रिकॉर्डिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से जाहिर कि रिकॉर्ड करना, जब ये हमारा लोड चल रहा होगा जितना लोड होगा उस हिसाब से ये स्पीड से हमारी डिस्क घूमेंगी तो हमारी जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है ये हमारा मैकेनिज्म हम बना लेते हैं इधर से कोई भी हम जिस तरह कुछ गरारी टाइप हो जाता है तो उनकी छोटी गरारी होगी, उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो वो गरारी मूव होगी उसके साथ हम नंबर लगा लेते हैं, वो नंबर हमें शो होते रहेंगे कि अब इतने
यूनिट हो गए हैं, इतना इतने यूनिट हो गए हैं, क्योंकि ये ब्रेक मैग्नेट से हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारी कितनी हमने किलोवाट के आवर की सूरत में कितनी कंसप्शन करनी है, ये ब्रेक मैग्नेट की सूरत में हम करेंगे। ये ब्रेक मैग्नेट जितना ये डिस्क के मरकज़ में होगा इतना नज़दीक होता जाएगा, उतनी ज़्यादा उतनी ये स्पीड इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। जितना ये दूर पर हटेगा उतनी ज़्यादा इसकी ज़्यादा स्पीड होगी। इसको हम एडजस्ट करना पड़ता है कि किस तरह एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब हम इसकी जो वर्किंग है इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। जब हमारी सप्लाई ऑन होती है और हमारे घर का लोड ऑन होता है तो हमें बिल कैसे जनरेट होता है और ये मूव कैसे करती है डिस्क। तो ये जो शंट मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट के ऊपर ये शंट कॉइल लगी हुई है, इसको हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। इस ये लोड के पैरेलल में लगी होती है। जब इसको वोल्टेज मिलते हैं तो इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल इसमें से करंट गुजरेगा और करंट के प्रोपोर्शनल मतलब करंट के अकॉर्डिंग इसमें फ्लक्स पैदा होगा फाई टू। तो ये फ्लक्स डिस्क में से जब गुजरेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगी, ठीक है। तो ईएमएफ जैसे मैंने पहले बताया, जब फ्लक्स किसी कॉइल में से गुजरता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है, तो इसमें ईएमएफ पैदा होती है, करंट होगी, तो उसका नाम आई टू हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जब सीरीज कॉइल में से करंट गुजरे तो उसमें भी फ्लक्स पैदा होगा फाई वन। तो ये फ्लक्स जब इस डिस्क में से गुजरेगा तो उसमें करंट पैदा होगी जिसका नाम I1 मैंने दिया है। तो ये एडी करंट है बेसिकली, ये एडी करंट बनेगी, दोनों की एडी करंट, यानी एडी होना जमा होना करंट का, दोनों मतलब कि फ्लक्स का दोनों एक जगह पे आके मिलके, यानी वहाँ पे जो करंट जो प्रोड्यूस होगी उसे हम एडी करंट कहते हैं, ठीक है। शंट कॉइल का फ्लक्स लैगिंग नेचर का होता है जबकि सीरीज कॉइल का फ्लक्स लीडिंग नेचर का होता है। अब कौन सा फ्लक्स लीड कर रहा है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी डिस्क घूमेंगी, ठीक है। मतलब कि आसान लफ्ज़ों में जब दोनों कॉइल में फ्लक्स की वजह से जब टार्क पैदा होता है तो दोनों टार्क डिस्क को घुमाने के लिए कोशिश करेंगे दोनों टार्क, लेकिन जिस कॉइल का फ्लक्स लीड करेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्क घूमेंगी, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि सीरीज कॉइल का फ्लक्स लीड करता है और जो है ना शंट कॉइल का फ्लक्स लैग करता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।